हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो को अभी तक किसी ने भी यूट्यूबर ने शायद अभी तक बताया नहीं। आई थिंक कि मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमकॉम पार्ट वन और एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट हैं। शायद दोस्तों हल्का सा नॉइज आ सकता है क्योंकि इस समय मैं ऑफिस में हूँ, मतलब क्लास है, मेरा कोचिंग क्लासेस है, तो उस ऑफिस में बैठा हूँ तो सब क्लासरूम में लेक्चर चल रहे, तो हो सका तो बच्चों का इधर उधर आवाज़ आ सकता है। ट्राई करूंगा क्योंकि मैं अलग ही सेपरेट बैठा हूँ कि आवाज़ ना आए। अच्छा दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं कि आज जो मैं अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों, ये एमकॉम पार्ट वन और पार्ट टू ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। यस दोस्तों, सही सुन रहे हो, आप लोगों के एग्जाम का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है, आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के पहले, अगर प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके से अपडेट आप लोगों को इस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, प्लस इनके लिंक और इनके पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आप जिस भी स्ट्रीम के कोर्स में आप उसे क्लिक करके वहां जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको एमकॉम पार्ट टू ईयरली पैटर्न इधर भी आपको दिखेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी उनका लोगो है, उनका हर एक चीज कोड दिया हुआ है, ओनली फॉर आइडियल स्टूडेंट ये भी मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन टाइम टेबल बोला गया है, प्रोग्राम किसका है, एमकॉम पार्ट टू ईयरली पैटर्न के बच्चों का है। तो एग्जाम जो चालू होने वाला है वो वेनसडे से चालू होने वाला है, 18 अक्टूबर 2023। तो उससे पहले वाले का नहीं, ये अभी का ही है जो एग्जाम अक्टूबर में आने वाला है 18 तारीख से। ये ईयरली पैटर्न की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई पैटर्न के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई बच्चे प्लीज कंफ्यूज मत होना एमकॉम के कि सर ये सीबीएसई पैटर्न वालों का भी है क्या, नहीं, ये ओनली फॉर ईयरली पैटर्न के स्टूडेंट का एग्जाम है। तो 18 अक्टूबर से चालू होने वाला है। एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर है पहला, आपके सब्जेक्ट पेपर कोड भी दिए हैं। टाइमिंग जो है आपका आफ्टरनून का है, 2:30 to 5:30, मतलब 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। देन से वेनसडे के दिन अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पेपर है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। फ्राइडे 20 अक्टूबर, मतलब इधर एक दिन का आप लोगों को गैप मिलता है। फिर एडवांस ऑडिटिंग का है, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का है सेम डेट पे। फिर 25 अक्टूबर दोनों के लिए है, अगर जो अकाउंटिंग का स्टूडेंट है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है, अगर जो मैनेजमेंट का अगर स्टूडेंट है तो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। और 27 अक्टूबर के दिन टाइमिंग तो सेम है पेपर का, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो रिसर्च मेथोलॉजी है, और ईयरली पैटर्न के बच्चों का रिसर्च मेथोलॉजी, चाहे आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, पेपर सेम ही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो बात हो गई ये आपके एमकॉम पार्ट टू के बच्चों का हुआ है, और ये नोटिस भी आप इधर देख सकते हो 8 सितंबर के समय आया हुआ। आई नो कि वीडियो काफ़ी लेट है, एग्जाम के पहले आपको अपडेट दे दे रहा हूँ, ये भी आप लोगों के पास टाइम है क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये अपडेट के बारे में पता ही नहीं है। और आई थिंक कि जब से सीबीएसई पैटर्न आ चुका है तो हर कोई सीबीएसई पैटर्न का अपडेट दे रहा है, ईयरली पैटर्न का अपडेट बहुत कम ही लोग दे पा रहे आई थिंक। तो चलो बात करते हैं एमकॉम पार्ट वन ईयरली पैटर्न के बच्चों का। इनका एग्जाम चालू हो रहा है 17 अक्टूबर से, एग्जाम चालू हो रहा है, और पहला पेपर एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग का है। टाइमिंग सेम है जो एमकॉम पार्ट टू का टाइमिंग है, सेम एमकॉम पार्ट वन का भी टाइमिंग है। अकाउंटिंग के तो आपका फाइनेंस अकाउंटिंग का है, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो 17 अक्टूबर से चालू हो रहा है। अगर 19 अक्टूबर की बात करूँ, ट्यूसडे के दिन बात करूँ, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो एडवांस कोर्स अकाउंटिंग का पेपर है, और मैनेजमेंट के हो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग का पेपर है। देन 23 को आप दोनों कोर्स, चाहे अकाउंटिंग हो मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है। और 26, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा गैप इधर आप लोगों को दोस्तों मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। टाइमिंग तो सेम है, पेपर कोड दिया गया हुआ है। तो जितने भी भाई एमकॉम पार्ट वन पार्ट टू ईयरली पैटर्न के स्टूडेंट हैं, आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, मैं फिलहाल तो एमकॉम पार्ट वन और पार्ट टू सीबीएसई पैटर्न के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका लेक्चर्स भी चालू हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर भी ले रहा हूँ कोर्स अकाउंटिंग का। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना है तो कर सकते हो। प्लस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी बना के रखा है, एमसीक्यूज़ का तो आपको ऑलरेडी पहले दिया करता था लॉकडाउन में,
अभी मैंने क्वेश्चन बैंक भी बना के रखे हुए जो आपके एग्जाम में आने वाले जैसे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मैं सीबीएसई पैटर्न का बोल रहा हूँ, मैंने ईयरली पैटर्न का अब तक नहीं बनाया है, सीबीएसई पैटर्न का बनाया है, तो उनका मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो कॉन्टेक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना, प्लीज़ कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मत करना, मैं जल्दी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि मेरे पास अदर भी वर्क है। आप यूट्यूब पे कमेंट करना, मैं टाइम निकाल के उधर के कंटेंट जरूर रीड करता हूँ, और अगर सब मैक्सिमम लोगों के एक ही डाउट है तो उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर बनाता हूँ। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।